सब्सक्राइब कीजिए फर्स्ट इंडिया चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल फर्स्ट इंडिया में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मोपेड की जिसके अंदर अभी हमको BS4 टेक्नोलॉजी के साथ डिस्क ब्रेक भी मिल जाएंगी। हाँ जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्टिवा 125 की, जो कि हमें मोपेड में डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं, एलॉय व्हील मिलते हैं, साथ में चार्जिंग भी इसमें हमको मिल जाती है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको BS4 टेक्नोलॉजी वाली 125 एक्टिवा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप के वीडियो के नीचे कुछ इस तरीके का आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस हमेशा देखने को मिलती रहे। और चैनल सब्सक्राइब के बगल में आपको कुछ इस तरीके का घंटे का बटन दिखाई देगा, तो उस बटन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं एक्टिवा 125 के फीचर्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम शोरूम के अंदर आ चुके हैं और हमारे सामने एक ब्लू कलर की एक्टिवा 125 सीसी गाड़ी हमारे सामने है, जो कि एक शोरूम इसका 66,307 रुपीज़ है। 5 कलर्स में ये हमको मिल जाती है। एवरेज की बात करें तो इसका एवरेज पुरानी वाली एक्टिवा से कम है, 54 किलोमीटर पर लीटर इसका एवरेज है। साइड में स्पेस देखते हैं तो बराबर है, और जब इसकी टॉप स्पीड की बात की जाती है तो वो 84 किलोमीटर पर आर है। कंसोल देखते हैं, कंसोल पूरा एनालॉग हमको दिख रहा है, और बस जो वो हमारा पेट्रोल का दिखाने के लिए है मीटर, वो हमको जो डिजिटल मिलता है। और यहाँ देखिए इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच दिए हुए हैं, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का स्विच दिया है, बस लाइट का स्विच इसमें यहाँ पर हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये BS4 एक्टिवा है और BS4 बाइक्स में लाइट जो है वो ऑटोमेटिक जलेगी स्टार्ट होने के बाद पूरे टाइम, हेडलाइट हेडलैम्प हमेशा जलता रहेगा। और यहाँ साइड में देखते हैं तो HET के साथ BS4 का लोगो यहाँ पे हमको मिल जाएगा, और यहाँ पे एक्टिवा 125 लिखा हुआ है, जो कि एक दूसरी गाड़ियों में नहीं आपको मिलेगा। पीछे आके देखते हैं बैक लाइट पे, तो बैक लाइट जो है पहले से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छी दिखती है। पर अगर एवरेज और रेट्स की बात करें तो मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि जो पुरानी एक्टिवा थी वो ज़्यादा अच्छी है हमारे लिए, क्योंकि एवरेज भी इसमें हमें कम मिलता है और रेट भी ज़्यादा है। फुटरेस्ट देखें तो इसके थोड़ा अलग कर दिया, मेटलिक कर दिया, जो कि पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। हम सामने आ जाते हैं, अगर व्हील्स देखते हैं तो एलॉय व्हील हमको यहाँ पे मिलते हैं विथ डिस्क ब्रेक। बस ये एक नई चीज़ है कि आपको मोपेड में भी अब डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे 125 एक्टिवा आप अगर लेते हैं तो। और हम आ जाते हैं इसकी डिग्गी की, और अगर देखते हैं डिग्गी में स्पेस, तो डिग्गी में जो स्पेस है पुरानी वाली एक्टिवा 4G के बराबर ही है, जिसमें फुल साइज़ हेलमेट बन जाएगा। साथ में बस हमको एक चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा जिससे आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।